देखें मेरी बेटी के पीछे डॉल्स भी नज़र आ रही हैं वीडियो में, सो गई है क्योंकि मैं ज़्यादातर रात को ही वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि जब मेरी बेटी सो जाती है शो नहीं करती तो मैं उसको सुला के फिर आराम से वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि नॉर्मल फिर दिन में तो वो नहीं बनाने देती मेरे को वीडियो, तो मैं उसको सोने का इंतज़ार करती हूँ फिर मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। और आज मैंने आपके साथ शेयर करना था, ये मैंने आपको बताया था मैंने होममेड जो है प्राइमर बनाया था, प्राइमर बोल रहे हैं इसको या आप मेकअप फिक्सर बोल रहे हैं, ये देखें लिक्विड फॉर्म में है, देख सकते हैं आप थोड़ा जेल फॉर्म में आ रहा है ये, लेकिन है लिक्विड फॉर्म में, बिल्कुल जो है फाउंडेशन की तरह नहीं है, मतलब बिल्कुल थिक नहीं है, लिक्विड फॉर्म में है ये। तो आज मैं आपको ये सिखाऊंगी बनाना कि हम घर में जो है घर के इंग्रेडिएंट से जो है होममेड प्राइमर कैसे बना सकते हैं। प्राइमर जब होगा जब आप जो है फाउंडेशन से पहले लगा लें तो ये प्राइमर कहलाएगा, और अगर आप अपने मेकअप लगा मेकअप पूरा करने के बाद अगर आप ये अपने मुंह पे स्प्रे करते हैं तो ये मेकअप फिक्सर कहलाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट एक ही चीज़ इसमें चलती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये देखें सईद गनी का है, रोज़ वाटर की बोतल थी ये सईद गनी की, देख सकते हैं सईद गनी की रोज़ बोतल थी, और इसी के अंदर मैंने हाफ बॉटल जो है रोज़ वाटर इसमें निकाल लिया था इतना तकरीबन, ठीक है इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने मैंने रोज़ वाटर में ये बनाया था। और इसके अंदर आप जो है 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल डालें, और एलोवेरा जेल जो है फ्रेश मत डालेगा, क्योंकि अगर फ्रेश डालेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक आप स्टोर नहीं रख सकते, फिर वो ख़राब हो जाएगा। तो कोशिश करें जो है बाज़ार से जो मिलते हैं वो लें, और वो वाला बाज़ार बाहर वाला एलोवेरा जेल जो है पैकेट वाला वो आप 2 टेबलस्पून डालेंगे पूरे भर के, ठीक है, और 1 टेबलस्पून आप इसमें डालेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन से जो है हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लो भी आता है, और सेकेंडली ग्लो के साथ साथ ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, ठीक है। अगर आप ये नहीं कर सकते आपके पास मतलब रोज़ वाटर नहीं है या आपके पास ग्लिसरीन नहीं है तो आप खाली एलोवेरा जेल भी अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं बिफोर मेकअप। तो बस ये आपको चीज़ बतानी थी, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स हैं ओनली, खाली रोज़ वाटर है, ठीक है, सेकंड हमारे पास जो है वो ग्लिसरीन है, एंड थर्ड इज़ एलोवेरा जेल। 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन, 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल, और ये हाफ बॉटल आपने सईद गनी वाली जो है लेनी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी रोज़ वाटर ले सकते हैं, एक्स वाई जेड आपके पास कोई भी हो तो। तो इसको मैं आपको चेक कराती हूँ कितना अच्छा ग्लो आता है, ये देख सकते हैं आप, मैं अपने ग्लासेस उतारती हूँ और ये देखें आप इसको यूज़ करने से पहले थोड़ा शेक करें, एंड ये देखें आप आपने इसको फेस पे अप्लाई करना है, और इसको अप्लाई करके छोड़ देना है कि हमारी स्किन पे जो है अच्छी तरह से जब्स हो जाए, और इसको जब ये ड्राई हो जाएगा हमारी स्किन पे जब्स हो जाएगा देन आपने फाउंडेशन अपना यूज़ करना है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इजी वे है होममेड प्राइमर की या मेकअप फिक्सर की, आप जो भी कह लें, अगर आप मेकअप से पहले लगाएंगे तो वो प्राइमर कहलाएगा, ऑब्वियसली इस बात है, और अगर आप बाद में लगाते हैं तो मेकअप फिक्सर कहलाएगा, लेकिन अगर अब मैंने कभी बाद में यूज़ नहीं किया इसलिए कोई चांस नहीं है कि अगर आप बाद में लगाते हैं तो आपका आई शेड नहीं फैल जाए, अगर आप यूं करके लगाते हैं तो फाउंडेशन तो नहीं फैलेगा, लेकिन अगर आप पहले लगा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है आपका जो ये इसके अंदर जब हम एलोवेरा जेल डालते हैं तो वो हमारा एज अ मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी काम आती है, तो वो आप फाउंडेशन से पहले कर लें तो ज़्यादा बेटर है, आपकी लॉन्ग लास्टिंग जो है फाउंडेशन भी हो जाएगी और उसमें ग्लो भी बहुत अच्छा आएगा। तो मेरी ये टिप जो है आप प्लीज़ फॉलो करें, और आप बाहर से बहुत ज़्यादा महंगे जो है वो प्राइमर मिलते हैं मेकअप फिक्सर मिलते हैं, तो आप ये घर में बना के ज़रूर अप्लाई करें स्किन पे और फिर देखें क्या रिज़ल्ट आता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।